कॉशर्ट कलेक्शन में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में ये फ्लावर कैसे बनाया है वो दिखाने वाली हूँ। ये फ्लावर बनाने के लिए मैंने 3 कलर का वूल इस्तेमाल किया है, वाइट, पिंक और ग्रीन। ये फ्लावर बनाने के लिए हमें ये फ्लावर लूम की ज़रूरत है और एक सुई की, जिसका पॉइंट शार्प नहीं रहता वैसी वाली सुई हमें लेनी है। इस सुई में मैंने पहले से ही ये वाइट कलर का वूल डाल कर लिया है और उसको यहाँ पे एक नॉट गार्ड बांध कर ली है। ये फ्लावर बनाने के लिए सबसे पहले हमें ग्रीन कलर का वूल लेना है। इसको मैंने इस प्रकार यहाँ पे एक गार्ड बांध के ली है। उसको ये जो बाहर वाला स्टिक नज़र आ रहा है उसमें कहीं पे भी एक जगह से डाल लेना है, जैसे मैं दिखा रही हूँ, इसको भी कवर कर लेना है। और ये जो गार्ड है वो एकदम थोड़ा सा बीच में आनी चाहिए। इसके जो ठीक सामने हैं उसको इस प्रकार राउंड लेने हैं हमें। ये पहला राउंड हुआ, 3 राउंड टोटल लेने हैं। ये पहला हुआ, ये दूसरा और ये तीसरा। तीसरा राउंड हमें यहाँ से नहीं लेना है, उसे थोड़ा क्रॉस लेके जाना है, मतलब इसके साइड वाले में लेके जाना है। और ये फिर से 3 राउंड लेने हैं। ये पहला हुआ, ये दूसरा और ये तीसरा। फिर से वही स्टेप रिपीट करनी है। यहाँ नहीं लेके जाना है, इसके साइड में जो है उसको लेके जाना है। और इसी प्रकार हमें ये पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेना है। एक हुआ, ये दूसरा और ये तीसरा। तीन होने के बाद साइड में 1, 2, 3, 1, 2, 3। यहाँ पहुँचने के बाद काउंट करती हूँ, इससे मिस नहीं होता है राउंड। सो ये 1, ये दूसरा और ये तीसरा। अब ये आखिरी राउंड है, इसलिए इसको ऐसे यहाँ लेके जाना है। और ये जो ऊपर है इस प्रकार, उसको थोड़ा नीचे की ओर ढकेलना है ताकि ये बाहर ना निकले। नहीं तो स्टिचिंग करते वक्त ये बाहर निकल आते हैं। इस प्रकार इसके कंप्लीट होने के बाद जहाँ पे ख़त्म हुआ उधर इस प्रकार इसको गार्ड मान लेनी है और यहाँ पे इसे कट कर लेना है इस तरह से। ये मेरा पहला राउंड कंप्लीट हुआ। पहला राउंड कंप्लीट होने के बाद हमें सेकेंड राउंड में ये पिंक कलर का वूल लेना है। इसको भी उसी तरह एक गार्ड बांध कर लेनी है। इस बार हमें ये बाहर नहीं, ये जो अंदर का स्टिक दिख रहा है उधर कहीं पे भी एक स्टिक को ऐसे डाल लेना है। और ये जो गार्ड है उसे थोड़ा सा ऐसे सेंटर में लेके जाना है, थोड़ा सा, एकदम सेंटर में आया नहीं आया तो भी चलेगा। इस प्रकार उसको थोड़ा सेंटर में आना लेके आना चाहिए। जब हम स्टिच करेंगे तो ये गार्ड उस स्टिच के अंदर छिप जाएगी, इसलिए थोड़ा सेंटर में लेके आना है। और इस जहाँ डाला है उसके ठीक सामने से इस प्रकार इसको भी उसी तरह राउंड लगा लेना है। यहाँ पे हमें 4 राउंड लेने हैं। ये पहला हुआ, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। चौथा राउंड होने के बाद यहाँ पे नहीं लेके जाना है, इसके जो साइड में है उसको लेकर उसके जो ठीक सामने होगा उसको इस प्रकार राउंड लगाना है। एक हुआ,
दो, तीन और ये चौथा। फिर से वही इसके साइड में लेके जाना है। इसी प्रकार हमें ये पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेना है। ये मेरा लास्ट राउंड कंप्लीट हुआ। ये कंप्लीट होने के बाद ये जो बाहर वाला स्टिक है वहाँ ले जाकर इसको इस प्रकार गार्ड बांधनी है। थोड़ा टाइट लेना है ताकि ये यहाँ से निकल ना जाए। दो गार्ड लगा ले इस प्रकार। इसको थोड़ा ऐसे नीचे की ओर ढकेला तो भी चलेगा, ये बाहर निकलने के चांसेस कम रहते हैं अगर ऐसा करे तो। फिर इसको इधर कट कर लेना है। ये दूसरा राउंड कंप्लीट हुआ। इसके बाद हमें यहाँ पे स्टिच करना है। ये दोनों राउंड कंप्लीट होने के बाद अब हमें इसे स्टिच करना है। इसके लिए मैंने ये सुई ली है, इसमें मैंने पहले से ही वाइट कलर का वूल डाल के लिया है और इसको यहाँ पे गार्ड बांध के लिए है। स्टिच करने से पहले हमें इसका सेंटर देखना है और इसके सेंटर में इस सुई को ऐसे डालना है और ध्यान रहे कि ये ये जो गार्ड दिख रही है ये उसके बीच से ही आए। इस प्रकार इसको खींचना है, ज़्यादा नहीं खींचना है। अगर ज़्यादा खींचेंगे तो वो बाहर निकल आएगा, तो थोड़ा ही खींचना है अंदर जाने के लिए। और ये जो लास्ट राउंड मैंने बनाया था वो छोड़ के एक दो छोड़ना है और जो तीसरा है उसके ये गैप है वहाँ पे हमें सुई निकालनी है, मगर नीचे से इस तरह से। फिर से इसके सेंटर में हमें इस सुई को डालना है। ये रहा इसका सेंटर, इस तरह इसको डालना है। थोड़ा घुमा लेना है ताकि वो सेंटर बन जाए, होल बने, और इसको ऐसे खींचना है। थोड़ा टाइट लेना है, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा लेंगे तो निकल आएगा वूल। ये स्टिच होने के बाद ऐसे क्लॉकवाइज जाके यहाँ तक, ये पहले किया ऐसे क्लॉकवाइज जाके यहाँ तक हमें स्टिच करना है। हर बार हमें नीचे से ही ऊपर की ओर लेना है और ऊपर ये जो गैप, सॉरी, इसके साइड वाला जो गैप है ये वाला, इसमें लेना है। इसमें लेने के बाद फिर से इसे सेंटर में ऐसे डालना है। थोड़ा सुई को घुमाना है ताकि सेंटर बना रहे इस प्रकार। थोड़ा खींचना है उसके साइड में जो है वहाँ पे, इस तरह से स्टिच करते जाना है। इसी प्रकार हमें ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है।
ये मेरा पूरा स्टिच करके हो गया। स्टिच करके होने के बाद हमें इसको इस प्रकार बाहर लाना खींचना है। पहले बाहर का कंप्लीट करना है, फिर अंदर का भी निकालना है। ये कंप्लीट स्टिच होने के बाद इसको सुई को ऐसे कहीं पे भी अंदर की ओर इस तरह से निकालना है दो बार। और इसको इस जो सूत बचा है उसको एकदम ऐसे नीचे कट कर लेना है। ये कट करने के बाद ये जो मैंने पहले एक्स्ट्रा वूल लेके गांठ बांधी थी उसको भी एकदम नीचे इस प्रकार कट करनी है। और इसी प्रकार ग्रीन कलर का भी एक धागा रहेगा, ये इसको भी एकदम नीचे यहाँ पे कट करना है। कट करते वक्त ध्यान रखना कहीं दूसरा वूल भी कट ना हो जाए। ये मेरा फ्लावर कंप्लीट हुआ।